स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10। ए क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। हम लोगों ने इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट मालूम करने हैं और शो ये करना है कि अगर मिड पॉइंट्स को कंजेक्टिवली मिलाने से जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसमें शो करनी है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये फर्ज क्या मेरे पास एक आ गई है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ये क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बनाई है, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है। तो पहले तो इनके मिड पॉइंट मालूम करने हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट आ गया है ई और इसका मिड पॉइंट आ गया है ई के बाद एफ और यहाँ पे जी और ये आ गया हमारे पास एच। ये हमने मिड पॉइंट के नाम दिए। लेट ई एफ जी एंड एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड्स के मिड पॉइंट हैं? ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट मालूम करें। मिड पॉइंट पॉइंट ई किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल लगा चुके हैं। ये मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए पे और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा 9 9 -7। इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड किया, 2 पे तकसीम किया और इसी तरह वाई कंपोनेंट 3 + 7/2 हो जाएगा। तो ये 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 5। तो पॉइंट ई हमारे पास 1.5 आ गया। इसी तरह पॉइंट एफ मालूम करेंगे, चूँकि पॉइंट एफ बी और सी का मिड पॉइंट है, ये बी और ये सी, -7 -3/2, 7 -7/2। तो यहाँ पे आंसर -10 -5 0 आ जाएगा। और जी पॉइंट जो हमें मिलेगा, जी पॉइंट सी और डी का मिड पॉइंट है, -3 + 5/2, -7 -5/2, 1, ये -12 -6। इसी तरह लास्ट मिड पॉइंट एच आ जाएगा, जो कि ए और डी का मिड पॉइंट है, 9 + 5/2 3 - 5/2, 14 यहाँ पे 7 आ गया, -2 ये -1। तो ये हम लोगों ने ई एफ जी और एच मिड पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मालूम किए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये शो करना है कि इन मिड पॉइंट को मिलाने से जो डायग्राम बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। तो इन मिड पॉइंट को कंजेक्टिवली आपस में मिला दें तो एक ये शेप हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट ई एफ जी एच इज़ ए पैरेललोग्राम। वी शो दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमने इसको पैरेललोग्राम शो करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपोजिट साइड्स हैव द साइड हैव द इक्वल लेंथ, यानी कि एफ जी और ई एच ये साइड इक्वल होनी चाहिए, एफ ई या ई एफ और एच जी ये साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये काम हम प्रूफ करना है। पहले हम साइड ले लेते हैं यहाँ पे ई एफ, ये ई एफ साइड ली तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे ई और एफ का। ई और एफ पे ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, इन दो पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, 1 + 5 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस 6 36 + 25 का अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया √61। ये ई एफ लिया। इसी तरह एच जी लेंगे, यहां पे हम मालूम करेंगे एच जी डिस्टेंस, एच ये दिया गया है और जी हमारे पास ये है, तो इन पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होगा, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस
-6 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36 आ गया प्लस -5 का स्क्वायर हो गया 25, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 61। अब ये देखें कि ये साइड ई एफ और एच जी ये दोनों इक्वल लेंथ की आ गई हैं, इसी तरह इन दो साइड्स को भी हमने प्रूफ करना है कि ये भी इक्वल होंगी, तो ये ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब ये एफ जी को कैलकुलेट करें, एफ जी डिस्टेंस, एफ ये दिया गया है और जी हमारे पास ये, इन पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें, -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, इन दोनों को ऐड किया तो ये अंडर रूट 72 और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू अंडर रूट 2। लास्ट हम लोगों ने मालूम करनी है ई एच, ई एच डिस्टेंस, ई ये दिया गया है और एच ये पॉइंट, तो इन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा 1 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 --1 ये +1 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर 36 आ गया प्लस 5 +1 6, 6 का स्क्वायर ये भी 36, तो यहाँ पे भी आंसर अंडर रूट 72 जो कि 6 इंटू अंडर रूट 2 का इक्वल है। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की आ गई है। यहाँ पे अपना रिजल्ट लिखें, सिंस ई एफ डिस्टेंस इज इक्वल टू एच जी एंड एक अपोजिट साइड ये थी, दूसरी अपोजिट साइड हमारे पास एफ जी डिस्टेंस इज इक्वल टू ई एच, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की आ गई है। सो कंक्लूड दैट, सो वी हैव शो दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। तो ये रिजल्ट हमारा इस तरह प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने स्मॉल एच मालूम करने हैं, इस तरह के ये ए बी सी डी, ये अगर कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस पैरेललोग्राम हैं तो क्या मालूम करना है, एच मालूम करना है। फिर बाद में जब एच मालूम हो जाए तो ये बताना है कि आखिर ये चारों वर्टिसेस स्क्वायर के वर्टिसेस भी हैं। तो इसके लिए चूंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो इसका स्केच बना लेते हैं इस तरह। ये पैरेललोग्राम ड्रा की है ए बी सी डी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम क्या होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। चूंकि ये पैरेललोग्राम हमें दी गई है ए बी सी डी, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल लेंथ की होगी, इसी तरह ए डी और ये बी सी ये आपस में इक्वल होगा। दिस सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए बी डिस्टेंस इक्वल होगा डी सी डिस्टेंस के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो डी सी डिस्टेंस के स्क्वायर के भी बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। एंड और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ए डी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, इनका भी स्क्वायर लें तो ये ए डी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इन दो कंडीशनों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एच मालूम करना है। इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, 1 इम्प्लाइज 1 में चूंकि हमें ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर दिया गया है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए वो लिखा होगा और बी ये माइनस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया है ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इक्वल होगा डी सी, ये डी और ये सी ये दिया गया है, तो 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस एच -0 का होल स्क्वायर। तो अब इनको ओपन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस
ये एच का स्क्वायर आ गया एच स्क्वायर, ये 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एच का आंसर आ गया है प्लस माइनस 2। तो ये दो एच की वैल्यू आ गई हैं। अब देखें यहाँ पर हमने एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो अगर हम यहाँ पे एच की वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो ये पॉइंट बन जाएगा 1 माइनस 2, जो कि बी के बराबर है। तो ये पॉइंट डी और पॉइंट बी सेम पॉइंट बन जाएंगे, तो फिर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, इसलिए एच इज इक्वल टू माइनस 2 इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर एच की वैल्यू क्या होगी, एच इज इक्वल टू 2, एच सो एच इज इक्वल टू 2। जब एच 2 होगा तो फिर पॉइंट डी क्या बनेगा, तो डी पॉइंट बन जाएगा 1, 2। अब ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए हैं ए बी सी डी। ये साबित करने के लिए क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों डायगोनल की लेंथ देख लेते हैं। डायगोनल ए सी, तो पॉइंट ए हमें ये दिया गया है, पॉइंट ए और पॉइंट सी, इन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस देखते हैं किसके इक्वल आ गया, -8 का स्क्वायर ये 64 हो गया प्लस 0, तो 64 का अंडर रूट आ गया है 8। तो डायगोनल ए सी की लेंथ आ गई है 8। इसी तरह दूसरा डायगोनल देख लेते हैं, ये बी डी, डायगोनल बी डी की लेंथ भी चेक करते हैं। तो बी ये दिया गया 1 और डी हमें ये पॉइंट दिया, दोनों के एक्स कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किया स्क्वायर लिया, वाई कंपोनेंट को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, और ये माइनस एच क्या हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 -1 0 का स्क्वायर 0 आ गया प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो ये अंडर रूट 16, तो आंसर क्या आ गया 4। अब ये देखें जो डायगोनल है ए सी, डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, चूँकि डायगोनल अनइक्वल है इसलिए ये पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं बनती, चूँकि अगर ये स्क्वायर होती तो डायगोनल की लेंथ भी क्या होनी थी, इक्वल होनी थी। पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए एंड बी। ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दिए गए हैं ए और बी, थर्ड वर्टेक्स भी मालूम करना है और साथ ये भी बताना है कि इस तरह के कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते जिनका ए और बी तो गिवन हो और थर्ड वर्टेक्स हम लोगों ने मालूम करना है। लेट सी एक्स कोमा वाई बी द थर्ड वर्टेक्स, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है जिसका थर्ड वर्टेक्स सी ले लिया है, बी थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब चूंकि ये ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल लेंथ की हैं, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि सी ए लेंथ इज इक्वल टू सी बी लेंथ इज इक्वल टू ए बी लेंथ, ये तीनों लेंथ क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये तीनों लेंथ इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल लेंथ की है, तो इनका इनकी लेंथ का जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सी ए डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, एक ये सी ए लेंथ के स्क्वायर को ए बी के साथ भी ले लेते हैं एंड, और यहाँ पे सी बी डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों को हमने इक्वल रखा। तो यहाँ पे सी ए मालूम करें, ए हमारे पास -3/0 है और सी हम लोगों ने सपोज किया, तो ये होगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया सी पे और ए पे, इसी तरह ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, -3 प्लस -3
माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये 36। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास वन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी लेंगे यहाँ से, सी बी ले देखें, सी है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ये सी बी डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया और ए बी डिस्टेंस हम लोगों ने पहले भी मालूम किया था, ये ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर 36 था, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस नंबर वन को टू को सॉल्व करके एक्स का और वाई का सॉल्यूशन मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखें इसके नीचे वन इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस माइनस ये नेगेटिव साइन चेंज हो गया, ये टर्म में कैंसिल आउट हो गई हैं नाइन से ये भी, तो यहाँ पे माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स के एक्स का आंसर क्या आ गया है ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये आ गया। अब इस एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, वन इम्प्लाइज वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए ज़ीरो यहाँ पर पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, नाइन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वाई स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 27 प्लस माइनस अंडर रूट 27, तो वाई को लिखा जा सकता है प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। तो इस तरह के हमें दो पॉइंट मिले हैं, दस सी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, तो सी के कंपोनेंट्स आगे 0 प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा और एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर भी बनेगी, अगर ये आपके पास 0 व 3 अंडर रूट 3 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कोमा माइनस 3 अंडर रूट 3, तो टू पॉसिबल ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये लाइन सेगमेंट हमें ए बी दिया गया है, तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में जो पॉइंट तकसीम करते हैं उन पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। हम सपोज ये कर लेते कि एक पॉइंट ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं सी और डी, जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। पॉइंट ए क्या दिया गया है माइनस वन व फोर और पॉइंट बी है सिक्स व टू, तो सी और डी मालूम करने के लिए लेट सी कोमा डी बी द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन थ्री इक्वल पार्ट्स, जो इन्हें तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर सी, सी के लिए ज़रा देखें, सी के लिए अगर सी पॉइंट मालूम करना है तो यहाँ पे वन रेशो बनेगी और इधर वन रेशो ये और वन ये, तो ये बन गया इधर रेशो टू बन गई है, क्या बन गई है टू रेशो, तो सी पॉइंट ए बी को वन रेशो टू में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो फार्मूले के मुताबिक सी पॉइंट कैसे मालूम होगा, सी इन टू इसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये वन इस वाले एक्स का दूर वाले एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, वन मल्टीप्लाई होगा सिक्स के साथ प्लस टू मल्टीप्लाई होगा ये दूर वाले पॉइंट के एक्स कंपोनेंट के साथ, टू मल्टीप्लाई होगा माइनस वन के साथ, और डिवाइड कर देंगे वन प्लस टू पे, तो
तो ये आ गया पॉइंट सी का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, वन मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ प्लस टू मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ और डिवाइड कर देंगे वन प्लस टू पे। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये सी पॉइंट आ जाएगा सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री और यहाँ पे टू प्लस एट डिवाइडेड बाय थ्री, तो सी पॉइंट आ गया है फोर बाय थ्री और यहाँ पे टेन बाय थ्री। तो इस तरीके से पॉइंट सी हमने मालूम किया। तो नेक्स्ट मालूम करेंगे डी पॉइंट। जब डी पॉइंट मालूम करना है तो डी के लिए क्या होगा, फॉर डी, डी के लिए जब मालूम करना है तो डी पॉइंट ए बी को टू रेशो वन में डिवाइड करता है। इस तरफ ये टू रेशो है और इस तरफ क्या है वन, तो डी के लिए क्या करेंगे डी इंटू, अब ये टू मल्टीप्लाई होगा ये रेशो टू दूर वाले एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी टू इंटू सिक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा दूर वाले एक्स कंपोनेंट के साथ जो कि माइनस वन है और टू प्लस वन पे डिवाइड कर देंगे। रेशो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह ये टू मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ प्लस वन रेशो मल्टीप्लाई होगी दूर वाले पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ जो कि फोर है और डिवाइड कर देंगे टू प्लस वन पे। अब इन्हें सिंपलीफाई करें तो डी इंटू ट्वेल्व माइनस वन ओवर थ्री और यहाँ पे फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री, तो इस तरीके से पॉइंट डी आ गया है इलेवन ओवर थ्री और एट बाय थ्री। तो ये पॉइंट सी और डी रिक्वायर्ड पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पॉइंट थ्री फिफ्थ ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट फ्राम ए टू बी, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी को एक ए बी पे एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो इसे थ्री फिफ्थ में डिवाइड करता है। ये अगर हमारे पास आ गया है ए बी लाइन सेगमेंट, तो थ्री फिफ्थ का मतलब ये है, थ्री बाई फाइव का मतलब ये है कि इस लाइन के टोटल फाइव पार्ट करने हैं, तीन पार्ट ए की तरफ होंगे और दो पार्ट बी की तरफ होंगे। तो ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव मीन्स के यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास सी है जो इस लाइन को थ्री फिफ्थ में डिवाइड कर रहा है। लेट सी बी रिक्वायर्ड पॉइंट, तो वही फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, इधर रेशो थ्री आ गई है और इधर रेशो क्या आ गई है टू, और पॉइंट ए हमें दिया गया है माइनस फाइव एट और पॉइंट बी क्या है फाइव एंड थ्री, तो पॉइंट सी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये थ्री मल्टीप्लाई होगा दूर वाले एक्स कंपोनेंट के साथ प्लस टू मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के एक्स कंपोनेंट के साथ और डिवाइड कर देंगे थ्री प्लस टू पे। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए ये दूर वाली रेशो मल्टीप्लाई होगी थ्री मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के वाई कंपोनेंट के साथ और टू मल्टीप्लाई होगा एट के साथ डिवाइड कर देंगे थ्री प्लस टू पे। अब इसे सिंपलीफाई करें तो ये 15 माइनस 10 ओवर 5, 9 प्लस 16 ओवर 5, तो यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा 5 ओवर 5 और इनको ऐड किया तो 25 ओवर 5, तो सी पॉइंट आ गया है 1.5। तो सी हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को थ्री फिफ्थ पार्ट में डिवाइड कर रहा है।